देख रहे हैं चाचा रोशन प्लम्बर वर्कआउट में हूँ आपका हो चाचा रोशन। तो हम आज वाटर टैंक फिटिंग कर रहे हैं, तो ये 300 गैलन है और कैप्सूल डिज़ाइन है, ब्लैक कलर में है और आपको सामने वाज नज़र आ रही है। ये देखें ये 300 गैलन, और इसके बावजूद जो इसके ड्रम बोश होते हैं ना, ड्रम बोश इसके टोटल ड्रम बोश ना नीचे ऊपर चारों तरफ चार ड्रम बोश है और चारों इंची पौनी के हैं। बैक साइड पे दो ड्रम बोश हैं और दोनों इंची ज़रा पौनी के हैं। फ्रंट पे भी दो ड्रम बोश हैं और दोनों इंची ज़रा पौनी के हैं। ये नीचे ड्रम बोश था इंची ज़रा पौनी का, जिसको हमने निकाल दिया, और इसके बदले हम लगा रहे हैं इसे 1.25 का, क्योंकि जो पानी की निकासी होगी ना वो वहाँ से स्टार्ट से भी निकलेगी ज़्यादा, तो पानी का प्रेशर बनेगा। तो ये हमने इसको सुराख हीटर डाई से हमने इसका सुराख ओपन कर लिया है। ड्रम बुश, ये हम ड्रम बुश इसको लगा रहे हैं वहाँ से, तो ये इसकी करेंगे फिटिंग यहाँ से। हमने इसको ऊपर ना डेफिनेट टेप लगाई है कि तो कोई खला ना रह जाए, पानी की लीकेज ना हो। तो इसके बाद हमने इसकी सबसे पहले वाटर टैंक के साथ रबड़ वाली वर्चर रखेंगे, तो उसके बाद हम लगाएंगे लोहे वाली वर्चर और उसके ऊपर लगाएंगे नट। हमारे पास ड्यूरा का होता है, उसकी चूड़ी उल्टी होती है, जो उल्टी चूड़ी वाला इजी हो जाता है, यानी कि टोटल पॉइंटों की कसाई आसानी से हो जाती है। और रेडी जी, दूसरा वाटर टैंक भी आ चुका है यहाँ पे। तो हमने पहले भी 300 गैलन का वाटर टैंक लगाया था, अब दूसरा भी वाटर टैंक ड्यूरा कंपनी का हमने जो लगा रहे हैं वो भी 300 गैलन का। तो इन दोनों की इकट्ठी फिटिंग कर रहे हैं, तो माशाल्लाह पानी का जो भराव है ना वो बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए सामने आपको जो नज़र आएगा वो सामने सफ़ेद घर, इसमें भी पानी जा रहा है और वो गेट तक, वो आपको ब्लैक कलर का गेट नज़र है, वहाँ तक बाथरूम है, और ये इसी वाटर टैंक का पानी जा रहा है। तो इसके हम फिटिंग कर रहे हैं, तो ये देखें। इसके बाद हमने 1.5 की साकल लगाई है, अब 1.25 की नाली निपल लगी है, और यहाँ पे कनेक्शन जो लगा रहे हैं 1.25 का लगा रहे हैं। यहाँ पे हम टी लगाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने ना यहाँ से प्लग खोल के ना ये कनेक्शन किया 1.25 की नाल के, और वो वाला प्लग आगे लगा दिया, कोई पता नहीं हम इसकी तीसरी टैंकी भी रख सकते हैं, तो यहाँ से कनेक्शन आगे चला जाएगा। और यहाँ पर यूनियन लगा के हमने इसका कनेक्शन ऑलरेडी काट दिया, तो मोटर कर रहे हैं रेडी, तो मोटर प्ले कर रहे हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या रखते हैं। ऑलरेडी व्यूअर, न्यू टैंकी में पानी चालू हो चुका है, तो ये देखिए पानी आ रहा है इसमें। और ये जो टैंकी थी हमने पुरानी लगी है, इसका कलर भी अब येलो हो चुका है, तो ये पानी आ रहा है इसमें।